हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पाइथन के अंदर जिप और अनजिप कैसे करेंगे, जिप अनजिप कैसे करेंगे। तो यहां हम सिंपल सा एक इंपोर्ट करते हैं कि फ्रॉम जिप फाइल इंपोर्ट स्टार्ट, मतलब कि और जितने भी सारे इंपोर्ट कर लीजिए। अच्छा, इंपोर्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इंपोर्ट है। अब उसके बाद यहां हम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जिप फाइल। हम यहां लिखते हैं एफ इक्वल टू जिप फाइल, और जिप फाइल के अंदर में हम जिप फाइल का नाम देंगे, हम लिखते हैं टेस्ट डॉट जेड आई पी जिप, और हम यहाँ पे इसका डब्लू राइट मोड लेते हैं, और यहां पे हम लेते हैं जिप अंडरस्कोर डिफ्लेटेड। अब ये जिप फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं कि हम फाइल कुछ ऐड करें इसमें। एफ डॉट राइट, राइट के अंदर में हम अपना फाइल नेम, अगर फाइल इसके अंदर है तो इसी का अदरवाइज पाथ नेम, जैसे कि एफ एल थ्री डॉट टी एक्स टी, फिर एफ डॉट राइट राइट, और इसके अंदर हम यहां पे करते हैं एफ एल डॉट टी एक्स टी। ऐसे अपने फाइल नेम यहां पे दे सकते हैं, जो भी फाइल नेम है आप दे सकते। यहां उसके बाद मैं यहां पे एफ डॉट क्लोज कर, अब यहां से इसको रन करते, यहां पे कोई एरर नहीं आया। मैं हालांकि कोई मैसेज वगैरह यहां प्रिंट करा सकता था कि मैसेज प्रिंट नहीं कराया। अब ये अपने पैथन वाले फाइल में जाकर देखते हैं, देखिए टेस्ट जिप के नाम से फाइल क्रिएटेड है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो देखिए जिप एफ एल एन एफ एल थ्री फाइल इसने जिप के अंदर डाल दिया। तो फाइल को जिप करने का तरीका आप समझ लें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिप होने के बाद हम उसको अनजिप भी तो करते हैं। जब तक अनजिप नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। हमने यहां पे जिप कर दिया, अब चलिए इसको अनजिप करने की बात करते हैं। सेम कोड लिखेंगे, यहां पे ऊपर सेम रहेगा, और यहां भी हमारा, यहां पे जो आएगा आपका, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। और यहां पे डब्लू नहीं होगा, यहां पे आर, तो हमने पहले जिप फाइल को उठा लिया, एफ डॉट जिप फाइल टेस्ट डॉट जिप कॉमा आर, आर फोर रीड हमने ले ली। अब एक्सट्रैक्ट करते हैं, एफ फोर एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कोई पर्टिकुलर फाइल करना है तो पर्टिकुलर फाइल करें, या एक्सट्रैक्ट ऑल करें, एक्सट्रैक्ट ऑल और ब्रैकेट ओपन क्लोज करें, या रन करेंगे तो फाइल आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जितने फाइल है आप देखेंगे यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया आपका पाइथन वाले फोल्डर। एफ एल एन एफ एल थ्री आगे एक्सट्रैक्ट हो, तो फाइल आपको यहां से एक्सट्रैक्ट कर। तो आप जो अपने जिप में से कोई भी इसको लेना चाहते हैं आप जिप कर सकते हैं, अनजिप कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है फोल्डर। अगर मान लीजिए मुझे फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाए, हमने जिप और अनजिप की बात कर ली, हम बात करते हैं कुछ फोल्डर अगर बनाना हो तो। जैसे वीवीए में हमारा चलता है एमके डायरेक्टिव, ऐसे यहां भी चलता है, लेकिन मुझे यहाँ ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यहाँ पे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रूल है, यहाँ पे यहाँ ओएस डॉट एम के डी आई आर, इसके अंदर डाल दीजिए एफ एल डेटा, एफ एल डेटा। अब इसको हम यहां से रन करते हैं,
देखेंगे कि यहाँ एफ एल डेटा, यहाँ पे फोल्डर में एफ एल डेटा नाम का फोल्डर बन गया। मुझे इस एफ एल डेटा के अंदर एक और फाइल, एक और बनानी है, तो मैंने एफ एल डेटा डिलीट कर दिया क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर तो बन नहीं सकते। यहाँ पे ठीक लिखते हैं ओ एस डॉट एम के बी आई आर, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ बोला है एफ एल डेटा स्लैश नाइन, बट जाहिर सी बात है इसको हमें डबल कोटेशन मार्क में रखना होगा। अब इसको एक बार रन करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर आपका फोल्डर भी क्रिएट हो गया, एफएल के अंदर नहीं का फोल्डर। तो इस तरह से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बात आती है डिलीट की, अगर हम डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट करेंगे, इसको हम यहां से कॉपी करते हैं और इसको यहां रखते हैं। और मुझे रिमूव करना है, क्या लिखेंगे ओ एस डॉट रिमूव, रिमूव रिमूव डी आई आर, सॉरी रिमूव से नहीं होगा, रिमूव डी आई भैया रिमूव डायरेक्टरीज, और यहां पे हमने डाला एफ एल डेटा स्लैश, हमने इसको बोला कि इसके अंदर का जो मई नाम का फोल्डर था उसको रिमूव कर। रन कीजिए, अब देखिए इसमें एफ एल डेटा के नीचे अंदर मई नाम का फ्रिज नहीं है, तो एफ एल डेटा ही नहीं है, तो पूरी पूरे फोल्डर को रिमूव कर दिया, लास्ट वाले फोल्डर नहीं, पूरा का पूरा फोल्डर डायरेक्टरीज, मैंने फोल्डर सब डिलीट कर दिया। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे एफिल का नाम नहीं लिया, रिमूव कर दिया। रिनेम करना है तो आप ओएस डॉट रिनेम ओल्ड नेम न्यू नेम डाल सकते हैं किसी डायरेक्टरी का। ये थी हमारी फाइल से रिलेटेड चीजें। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स में, जिसमें हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इन पैथन। इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल मिलते हैं इसी इसी टाइम पे। थैंक यू।